नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान आज जारी है। आपको पता है कि तीन चरणों में बिहार में मतदान हुए हैं। 28 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान हुआ, 3 नवंबर को दूसरे, और आज यानी कि 7 नवंबर को तीसरे चरण का मतदान जारी है बिहार विधानसभा की 78 सीटों के लिए। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे मधुबनी जिले के बाबूबरही विधानसभा सीट की। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से वहां पर वोटिंग केंद्रों में व्यवस्था की गई है। अच्छी खासी संख्या में लोगों ने वहां पर वोट भी डाला है। आप तस्वीरें देखिए, बाबूबरही विधानसभा की ये तस्वीरें हैं जहां पर मतदान केंद्रों में व्यवस्था अच्छी की गई है, और जिन्होंने पहली बार वोट डाला है वो भी अपना वो दिखा रहे हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर का कार्ड भी दिखा रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं जमा होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। बाबूबरही विधानसभा की ये तस्वीरें हैं जहां पर कोरोना के प्रोटोकॉल्स का भी ख्याल रखा जा रहा है। जितने भी इलेक्शन कमीशन के कर्मी हैं वो लोग भी कोरोना के प्रोटोकॉल्स का खासा ख्याल रख रहे हैं। साथ ही साथ आप तस्वीरें देखिए, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतज़ाम बाबूबरही के मतदान केंद्रों में किए गए हैं। जो लोग पहली बार वोट कर रहे हैं वो भी काफ़ी खुशी जाहिर कर रहे हैं वोटिंग के बाद, और जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हर सिचुएशन के लिए तैयार हैं। आपको पता है कि इस बार कोरोना काल में पहला चुनाव हो रहा है बिहार में, जिसके वजह से काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ रहा है। कई सारे वोटिंग केंद्रों को बढ़ाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। स्कूलों में आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो राजकीय कृत मध्य विद्यालय बक्साही की तस्वीरें हैं। यहाँ पर बाबूबरही विधानसभा के अंदर आती है ये जगह, और यहाँ पर मतदान केंद्र बनाया गया है। लोग बड़ी संख्या में जमा होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। महिलाएं भी आपको दिखाई दे रही होंगी, पुरुष भी आए हुए हैं, और जितने भी मतदान केंद्र पर कर्मी हैं वो लोग कोरोना के प्रोटोकॉल्स का ख्याल रख रहे हैं। थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है लोगों की, तभी इजाज़त दी जा रही है अंदर वोटिंग के लिए जाने की। मास्क की व्यवस्था की गई है, और जितने भी कर्मी हैं वो खुद भी मास्क और ग्लव्स पहने हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में थर्मल स्कैनिंग की जा रही है ताकि जिन लोगों का टेम्परेचर ज़्यादा हो उन्हें वोटिंग के आखिरी घंटों में वोट करने की इजाज़त दी जाएगी। आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा के लिए वोटिंग का आखिरी दिन है, तीसरे चरण का मतदान जारी है। बाबूबरही की है तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जहां पर वोटिंग जो है वो जोरों शोरों से चल रही है। लोग अच्छी संख्या में जमा होकर वोट कर रहे हैं, और फिलहाल बाबूबरही विधानसभा से जो वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है वो भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। तो आपने बाबूबरही विधानसभा के मतदान केंद्र की तस्वीर देखी। लोग बड़ी संख्या में जमा होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आज अंतिम चरण का मतदान है, 10 तारीख को रिजल्ट्स निकल कर आ जाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार बिहार की सत्ता किसके हाथों में जाती है। बहरहाल आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।